वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सियो सुबह खाना बना रही थी और लिनवे उसे देख रहा था। तभी बायरुआन आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसे सियो लाई है। वो कहती है मैं सियो के बेस्ट फ्रेंड हूँ और मिस्टर जिन के असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम बायरुआन है। फिर वो उसे वार्निंग देती है कि सियो एक अच्छी लड़की है तो उसे अच्छे से ट्रीट करना। फिर वो दोनों बाहर वर्क कर रहे थे। लिनवे पूछता है कि क्या तुम शाओशिन विलेज वापस जाओगी। वो कहती है मुझे नहीं पता। लिनवे कहता है कि तुम्हें शेनयान मिस कर रहा है। अब लिनवे सियो को मिस कर रहा है ये सोच के सियो खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन मीटिंग अटेंड करता है। वहाँ पर मिस्टर लिन कहता है ये मीटिंग हमने रखा है ताकि हम कुछ टाइम के लिए तुम्हें सीईओ के पोजीशन से सस्पेंड कर सके। मिस्टर जिन कहता है कि इस कंपनी में इतना पावर किसके पास है जो कि मुझे सस्पेंड कर सके। लिनवे आ जाता है और कहता है कि ये मेरा डिसीजन है, मेरे डैड और मेरे पास इस कंपनी के 63% शेयर्स है तो हम आपको डिसमिस कर सकते हैं। मिस्टर जिन गुस्सा आ जाता है और कहता है ये सब करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, क्या तुमने इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचा है। लिनवे कहता है मैं तो सिर्फ आपको वार्निंग देने के लिए आया हूँ ताकि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर लिनवे मिस्टर काई से मिलता है। वो कहता है तुम्हारी कंपनी युआनशी कैपिटल तुम्हारे बिना लॉस कर रहा है तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। लिनवे कहता है तुम तो हो युआनशी कैपिटल को संभालने के लिए, मैं अब एक नॉर्मल पर्सन हूँ तो मुझे इस समय वापस नहीं जाना है। अब मिस्टर काई को गुस्सा आ जाता है और कहता है मेरा भी एक लिमिट है ये सब कुछ बर्दाश्त करने का, तो अच्छे से सोचना क्योंकि अग्रीमेंट तोड़ने से तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लिनवे कहता है मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर काई कहता है तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता होगा पर उन विलेजर्स का क्या होगा और तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या होगा। लिनवे उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर विलेज चीफ और उसकी वाइफ लिनवे से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि सियो एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे ज्यादा देर वेट नहीं करवाना चाहिए नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। फिर वो देखते हैं कि सियो वहाँ पर आ रही है। वो लिनवे से जाने के लिए कहते हैं। लिनवे पूछता है कि तुम वापस क्यों आई। सियो कहती है मैं वापस आई हूँ क्योंकि मैं शेनयान को मिस कर रही थी। लिनवे बहुत खुश होता है। फिर सियो लिनवे के हाथों पर मेडिसिन लगाती है क्योंकि वो सारा दिन काम करता है। लिनवे कहता है मैंने तुम्हारे लिए वो बाथटब बनाया था पर तुमने वो यूज ही नहीं किया था। सियो कहती है ठीक है मैं अब यूज कर लेती हूँ। फिर वहाँ पर फेफे आ जाती है और कहती है उसे सियो से बात करनी है। फेफे कहती है तुम यहाँ पर फिर से वापस क्यों आ गई हो, क्या तुम्हारी कंपनी बंद हो गई है। सियो कहती है क्या मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए नहीं आ सकती हूँ। वो कहती है लगता है तुमने अभी तक लिनवे के ऊपर गिव अप नहीं किया है। फिर वो गुस्सा के चली जाती है। उसके बाद मिसेस शाह सियो को बुलाती है। अब मिसेस शाह की बेटी जेना अपने काम के लिए बहुत ही बिजी है इसलिए वो अपना शादी यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं करना चाहती है। वो कहती है मैंने ऑलरेडी सिटी में एक बार शादी कर ली है तो यहाँ पर फिर से करने की क्या जरूरत है। मिसेस शाह बोलती है कि हमें यहाँ पर भी ये सेलिब्रेट करना पड़ेगा ताकि सभी लोग यहाँ पर तुम्हें ब्लेस कर सके। फिर वहाँ पर सियो और लिनवे आ जाते हैं। अब वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। जिन्ना कहती है उसे यहाँ पर फिर से शादी नहीं करनी है। मिसेस शाह कहती है अगर तुम चली जाओगी तो हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सियो कहती है फिर आप दोनों अपने बीच का सब कुछ खत्म कर दो। जीना कहती है छोड़ो मैं नहीं जा रही हूँ और मिसेस शाह खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे सभी गांव वाले शादी की अरेंजमेंट्स करते हैं। सियो और लिनवे वहाँ पर आते हैं। सियो वहाँ के ट्रेडिशनल आउटफिट में थी। ये देख के वो सभी उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर वहाँ पर फेफे आ जाती है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो सेम आउटफिट में है और वो दोनों ही एक दूसरे को देख के फेसेस बनाते हैं। सियो लिनवे को वहाँ की वीडियो बनाने के लिए कहती है। सियो वहाँ के वेडिंग के बारे में सब कुछ बताती है। अब उन दोनों को एक साथ देख के फेफे को अच्छा नहीं लगता है। फिर सियो जीना के पास जाती है। वो कहती है यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सभी तुम्हारे लिए बहुत खुश है और ये सब कुछ वो अरेंज कर रहे हैं ताकि वो सभी तुम्हें ब्लेस कर सके। सभी चाहते हैं कि तुम बहुत ही खुश रहो। ये सुन के जीना इमोशनल हो जाती है और उसे अच्छा लगता है। फिर सियो चली जाती है। फिर फेफे जीना के पास जाती है और कहती है कि उसे फ्लावर क्राउन चाहिए। जीना कहती है वो तो ऑलरेडी मुझसे किसी ने मांग लिया है तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। अब फेफे को लगता है कि सियो ने ली है। अब सियो ने रेड रोज पहन के रखी थी और फेफे के पास व्हाइट रोज था। मिसेस शाह लिनवे से पूछती है कि तुम्हें रेड रोज पसंद है या फिर व्हाइट रोज पसंद है। वो कहता है मुझे रोजेस पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ सियो पसंद है। फिर वो सियो की तरफ देखने लग जाता है। फिर जीना कहती है आज दो लोगों ने मुझसे ये फ्लावर क्राउन मांगा है तो हम सब एक गेम खेलते हैं, जो जीतेगा मैं उसे ही ये दूंगी। फिर लिनवे भी वो गेम खेलने के लिए आता है।
उसे देख के फेफे समझ जाती है कि लिनवे वो पर्सन है जो कि जिन्ना के पास गया था वो फ्लावर क्राउन लेने के लिए, ताकि वो सियू को दे सके। फिर सभी लोग खेलने लग जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अब लास्ट में चीफ जीत जाता है। फिर चीफ वो फ्लावर क्राउन अपने वाइफ को देता है। फिर सभी लोग खाना खा रहे थे। अब फेफे उन दोनों को एक साथ देख के जेलस होती है। वो उन दोनों के वीडियो बना के यूए को भेज देती है। वो कहती है अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो तुम सियू को खो दोगे। तभी सियू को एक कॉल आता है। अब बात करने के लिए वो वहाँ से बाहर जाती है। अब कॉल पे उसे कुछ प्रमोट करने के लिए कहा जाता है, पर सियू को वो ऑफर अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है। वहाँ पे लिनवे आता है और पूछता है क्या हुआ है। सियू कहती है कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए बिजनेस बंद कर रही हूँ। लिनवे बोलता है तो फिर तुम मेरे साथ आके रह सकती हो। फिर फेफे आ जाती है और कहती है कि उसे लिनवे के साथ कुछ अकेले में बात करनी है, और सी उन दोनों को अकेले छोड़ के चली जाती है। फिर फेफे उससे कन्फेस कर देती है कि वो उसे लाइक करती है। लिनवे से सॉरी कहता है क्योंकि वो सीयू को पसंद करता है। वो कहती है सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं इन्हें आसानी से गिव अप नहीं करूँगी, और वो रोते हुए चली जाती है। लिनवे वापस आता है। सीयू जाने की कोशिश करती है कि फेफे और उसके बीच क्या हुआ। लिनवे कहता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। फिर लिनवे उससे कन्फेस कर देता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और वो उसे पसंद करता है। सीयू उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर लिनवे उसे किस करता है और वो दोनों कपल बन जाते हैं। और ये पार्ट इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।